एक आदमी के पास 19 ऊंट थे, बोलना पड़ेगा। क्या है परेशानियां? क्यों माथा पकड़े बैठे हैं सब? क्यों सबके चेहरे मुरझाए हुए हैं? क्यों सब रो रहे हैं सब कुछ होते हुए भी? क्यों? एक चीज नहीं है। क्या? एक व्यक्ति के पास 19 ऊंट थे। बड़ी अच्छी कहानी, बड़े ध्यान से सुनिएगा। और एक दिन उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मौत से किसकी यारी, आज तेरी तो कल मेरी बारी। और जाते जाते उसने वसीयत लिखी है कि मेरे 19 ऊंटों में से आधे ऊंट मेरे बेटे को दे दिए जाएं। उसके आधे ऊंट मेरी बेटी को दे दिए जाएं और उसका पांचवा हिस्सा मेरे नौकर को दे दिया जाए। बोलना पड़ेगा। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, पंचायतें इकट्ठी हो गई, आसपास के सभी गांव इकट्ठे हो गए। अरे कैसा मूर्ख आदमी, 19 ऊंटों का कैसे बंटवारा हो? 19 का आधा कितना होता है? कितना होता है? अब 19 ऊंटों का बंटवारा करना हो तो 9 ऊंट तो पूरे, लेकिन एक ऊंट को काटना पड़े, तभी तो आधा हिस्सा। कौन ये हत्या, ये पाप मोल ले? सारे गांव वाले सब इकट्ठे हो गए, किसी के पास कोई समाधान नहीं। कौन मारे, कौन पाप कमाए? सब उसको बोल रहे कैसा आदमी है, कैसी वसीयत लिखे गया है। तभी एक आदमी ऊंट लेके आ गया। बोलना पड़ेगा। और जब इतने सारे लोग इकट्ठे देखे, 19 ऊंट वहां देखे, वो भी अपने ऊंट को लेके पहुंच गया, तो उसने कहा समस्या क्या है? तो सबने कहा समस्या ये ऊंट ही है, जो तू लेके घूमता है ना, समस्या ये ऊंट ही है। उसने क्या बात क्या है? कहा अरे इस गांव का एक व्यक्ति, उसके पास 19 ऊंट थे, बंटवारा करके गया कि मेरे ऊंटों का आधा हिस्सा मेरे बेटे को दे दे। नो तो दे दे, लेकिन एक ऊंट का क्या करे? तो वो आदमी कहता है चिंता मत करो, ये लो एक मेरा ऊंट भी इन ऊंटों में मिला लो। बोलना पड़ेगा। और 19 में जब एक मिला तो कितने हो गए? कुछ तो बोल दिया करो, 20। कौन कौन मानता है 20 हो गए? हाथ उठाना, 20। अच्छा, अब आया बंटवारे की बात, आगे करते हैं। तो उसने कहा मेरे हिस्से के आधे ऊंट मेरे बेटे को दे दो, तो 10 के 20 के आधे बेटे को दे दिए। कितने दे दिए? और 10 में से 10 गए तो कितने बचे? 10 बस। दूसरा, उसने जो वसीयत लिखी थी कि उनमें से आधा हिस्सा मेरी बेटी को दे दो, तो 10 में से 5 बेटी को दे दिए। कितने बचे? बोलते क्यों नहीं? कितने बचे? 5। उसकी तीसरी वसीयत थी कि इन मेरी जो वसीयत है उनमें से पांचवा हिस्सा मेरे नौकर को दे दो, तो उसकी वसीयत थी 20 ऊंट हो गए थे, तो 20 का पांचवा हिस्सा कितने हुए? कितने हुए? 10 बेटे को दे दिए, 5 बेटे को दे दिए, 4 नौकर को दे दिए, कितने हुए? 19। कितने बचे? एक बच गया, जो ऊंट वाला आया था अपने ऊंट को लेकर चला गया। कुछ लेना ना देना, खाली मिलाने से। लेकिन ये 19 ऊंट, 5 पंच तत्व, 6 जल पावक गगन शरीरा, जिससे आपका ये शरीर बना है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, कितने हो गए? 15 हो गए। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 तत्व, कितने हो गए? मन बुद्धि चित्त और अहंकार, कितने हो गए? 19। ये 19 ऊंटों का रोना तब तक लगा रहेगा, समस्या आपके जीवन में तब तक लगी रहेगी जब तक 20वां तत्व आत्मा को तुम नहीं जानोगे। तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो संसार, और सार तत्व को जाने बिना कोई न उतरे पार। बोलना पड़ेगा।
आत्मा परमात्मा से मिलने का इतना अच्छा अवसर आपको मिला और आपने उसका लाभ भी उठाया है, लेकिन सुनने मात्र से काम नहीं चलेगा। इस कथा को हृदय में बिठा लेना, एक एक बात को हृदय में बिठा लेना और जो कहा है उसे अपने जीवन में अपना लेना। रुक्मणी को उसके पिता ने कृष्ण चरित्र सुनाया था। नारद जी ने आकर कृष्ण की बातें कही थी, तभी रुक्मणी को कृष्ण से प्यार हो गया। चाहिए तो कृष्ण ही पति के रूप में चाहिए, और कृष्ण नहीं आएंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी, बोलना पड़ेगा।